प्याज के इस्तेमाल से बहुत ही इमेजिंग और यूनिक होम रेमेडी बनाना दिखाऊंगी जो आपके बालों को हद से ज़्यादा लंबा बना देगा और बालों के गिरने की प्रॉब्लम्स को कम्प्लीटली दूर करके गंजेपन के परमानेंट सॉल्यूशन करेगा और बालों को बहुत ही लंबा, घना और मुलायम बनाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सीमा सिंह और आप देख रहे हैं मेरे चैनल सिमी सिमो। इफ यू डोंट माइंड, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को आगे बिल्कुल ना बढ़ाएं। सो गाइज, आज का जो वीडियो है होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज जो वीडियो बनाने वाली हूँ वो है हेयर रेमेडी, वो ऑनियन जूस से आप अपने हेयर फॉल, हेयर लॉस को से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। प्याज के इस्तेमाल से बहुत ही इमेजिंग और यूनिक रेमेडी बताने वाली हूँ। प्याज के रस से बालों का गिरना रुकेगा, बालों में गंजापन होगा वो खत्म हो जाएगा, परमानेंटली आपके हेयर में ग्रोथ होगा और बहुत ही जल्द आपके बाल लंबे और घने हो जाएंगे। और लंबे और घने बाल किसको पसंद नहीं है, सभी को पसंद है। तो चलिए देखते हैं बालों के लिए होममेड इमेजिंग रेमेडी। सो चेकआउट दिस वीडियो। पर मूव ऑन करने से पहले मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सके। तो चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले एक प्याज ले लेना है, मीडियम साइज में यहाँ पे एक प्याज ली हूँ। आप अपने हेयर के अकॉर्डिंग आपको जितना लगे आप उतना ले सकते हैं। और फिर इस प्याज को छील लेना है, इसका छिलका हटा लेना है और इसे छोटा छोटा पीस कट कर लेना है। प्याज का रस लेना है गाइस, इसीलिए मैं यहाँ पर एक ही प्याज ली हूँ। तो देखिए अब मैं इसे कट कर ली हूँ, इसे छोटा छोटा पीस में कट कर ली हूँ ताकि इसे ग्राइंड करने में आसानी हो। और अब लेना है एलोवेरा, मैं यहाँ पे घर का एलोवेरा ले रही हूँ। अगर आपके पास घर का नहीं है तो आप मार्केट का भी एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं। तो इसका साइड का मैं कट कर ली हूँ ताकि इसका जो ये साइड का है हाथ में चुभे ना। और इसका जेल निकाल लेना है, एक छोटा सा पतला लेयर में इसे कट करना है ताकि इसका जो अंदर वाला जेल है, देखिए इस तरह से इसका जो ये जेल है अच्छी तरह से इस तरह से निकल जाएगा। तो इसका सारा एलोवेरा का इसी तरह से निकाल लेना है जेल और अब इसे ग्राइंड कर लेना है। तो देखिए गाइज, मैं इसे ग्राइंड कर ली हूँ और अब इसका जूस निकाल लेना है। एलोवेरा और प्याज को मैंने ग्राइंड कर लिया है और इसका इस तरह से छन्नी से इसका जो रस है निकाल लेना है। ये आसानी से इसका रस निकल जाता है। तो इस तरह से आपको रस इसका पूरी अच्छी तरह से निकाल लेना है। और फिर लेना है विटामिन ई कैप्सूल। आपको यहाँ पर सिर्फ एक कैप्सूल लेना है विटामिन ई का। और इसे देखिए मैं साइड से कट कर ले रही हूँ ताकि इसका जो ऑयल है आसानी से निकल जाए। तो देखिए इस तरह से ऑयल आसानी से निकल गया। और अब लेना है कोकोनट ऑयल। मैं यहाँ पे हाफ टेबल स्पून कोकोनट ऑयल ले रही हूँ, आपको भी हाफ टेबल स्पून ही कोकोनट ऑयल लेना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद अपने पूरे हेयर स्कैल्प में पूरी अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है। तो गाइस, अब ये रेमेडी बनकर बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे अपने पूरे हेयर में अप्लाई करना है, पूरे हेयर रूट्स में अप्लाई करना है। एक कॉटन लेना है, इस कॉटन से अपने पूरे हेयर में अप्लाई कर लेना है। पहले इस तरह से मिला लेना है इसे। प्याज में भरपूर मात्रा में सल्फर होने के कारण प्याज सिर्फ आज से नहीं बल्कि सदियों से हमारे बालों के ग्रोथ को बढ़ाने के काम कर रहे हैं। इसलिए प्याज एक ऐसी इंग्रेडिएंट्स है जिसके इस्तेमाल से बाल बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और साथ ही साथ बालों के गिरना भी कम बंद कर देते हैं और बालों को काले, लंबे और घने भी बनाते हैं। अगर आप भी मेरी तरह हेयर फॉल से परेशान हो और आपके सर के बाल गायब होने लगे हैं और बाल बहुत ही पतला हो चुका है, लेंथ भी नहीं बढ़ रहा है और डेंड्रफ से परेशान हो, तो इन सारी प्रॉब्लम्स का इलाज है ऑनियन जूस। और फिर गाइस, इस तरह से अपने पूरे स्कैल्प में, हेयर रूट्स में अप्लाई करने के बाद जो बचा हुआ हेयर ऑयल होगा ऑनियन का, उसे अपने पूरे हेयर लेंथ में लगा लेना है इस तरह से, ताकि इससे जो हेयर जो टूटेगा वो बिल्कुल टूटना बंद हो जाएगा। और फिर इसे लगाने के बाद अपने स्कैल्प में, हेयर रूट्स में हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है ताकि वो अच्छी तरह से पूरे हेयर स्कैल्प में, पूरे रूट्स में, हेयर रूट्स में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए
प्याज के रस में एंटी बैक्टीरियल गुण के कारण इसका रस बालों में लगाने से गिरते बालों को रोकने, डैंड्रफ या फिर आपके स्कैल्प में कोई एलर्जी है तो उसको भी दूर करने में मदद करता है। तो गाइज इस तरह से लगाने के बाद अपने हेयर को अच्छे से पूरा फोल्ड करके क्लेचर लगा लीजिए और रात भर इसे लगा करके छोड़ दें और फिर सुबह उठ करके आप अपना कोई भी शैम्पू से अपना हेयर वॉश कर लीजिए। यह घरेलू उपाय आपके बालों को शाइनी और हेल्दी बनाता है और स्ट्रांग बनाता है। तो गाइज इसे ज़रूर फॉलो करें, इसे आप वीक में ज़रूर ट्राई करें।